कॉलर विपुल कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर वडोदरा से। विपुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है और क्या सजेशन चाहिए? यस मैडम, मैंने है ना यस बैंक का मैंने 500 शेयर खरीदे 13.22 में, और 25 शेयर खरीदे मैंने 139 में। तो मैडम मैं ना अभी नया इन्वेस्टर हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी अभी सीख ही रहा हूँ, तो क्या मैंने सही स्टॉक किया लिया है, बस इसके लिए आपने विपुल जी मुझे ये बताइए, आपकी टाटा पावर और यस बैंक दोनों ही स्टॉक्स आपके पास है ना? यस यस मैडम। हेलो, और लॉन्ग टर्म के लिए लिए ये स्टॉक? हाँ मैडम, अभी तो लॉन्ग टर्म का ही सोचा है, उसका बेचने का मेरा कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने सही स्टॉक खरीदा है, ये कितने लंबे समय तक मैं रख सकता हूँ स्टॉक? गाबा साहब से बातचीत कर लेते हैं। गाबा साहब फ्रेश इन्वेस्टर हैं ये, टाटा पावर तो नो डाउट इनकी बहुत अच्छी चॉइस रही है और आई एम श्योर आपका व्यू भी सेम ही होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर होता शायद येस बैंक ना लेके ये पूरा इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में ही कर देते, बट अब क्योंकि ये इन्वेस्ट कर चुके हैं येस बैंक में भी, क्या सजेशन रहेगा? अब भी लेट थोड़ी है, देर थोड़ी हुई है, अब भी कर सकते हैं। देखिए टाटा पावर अच्छा है, अगर टाटा पावर में नहीं करना है, येस बैंक बैंकिंग क्षेत्र में रहना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, लेकिन येस बैंक से निकल जाए, बाकी तो होल्ड कीजिए। टाटा पावर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, येस बैंक आपके भाव के आसपास ही है, निकल जाइए। और आप क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं तो क्वालिटी पर फोकस कीजिए, टाटा पावर अच्छी चॉइस है। बैंक में जाना है तो HDFC बैंक, अदरवाइज टाटा पावर इन स्तरों पर भी और ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।